आईपीएल 2022 की घड़ियां अब नजदीक आ चुकी हैं। 26 मार्च 2022 से दुनिया की सबसे बड़ी लीग की शुरुआत होनी है। अब ऐसे में सभी टीमें तैयारियों में लग चुकी हैं। जहां चेन्नई सुपर किंग्स अपना टाइटल डिफेंड करने उतरेगी, वहीं मुंबई इंडियंस 6वीं बार चैंपियन बनने के लिए अपना दमखम दिखाएगी। लेकिन हम इस वीडियो में उस टीम की बात करेंगे जिसका फैन बेस तो काफी बड़ा है, जिसके पास शुरुआत से प्लेयर्स तो काफी बड़े बड़े रहे हैं, बावजूद इसके ये टीम कभी ट्रॉफी हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टीम की जिसने सबसे अंतिम में अपने कप्तान का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ही बात हो रही है। आरसीबी आईपीएल की सबसे चर्चित टीमों में से एक है। ऑक्शन में फाफ डू प्लेसिस को बेंगलुरु की टीम ने 7 करोड़ में खरीदा था और फाफ के अंडर ये टीम खेलती हुई नजर आएगी। चैलेंजर्स का सबसे मजबूत पक्ष सलामी बल्लेबाजी है। टीम के पास विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस के रूप में दो अनुभवी बल्लेबाज हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल के इतिहास में अपने बल्ले से खूब रन बरसाए हैं, इसका फायदा टीम को मिलने वाला है। हालांकि ऑक्शन में बेंगलुरु की टीम ने युजवेंद्र चहल जैसे कमाल के लेग स्पिनर को खो दिया है, वहीं उनकी जगह कोई गेंदबाज नहीं खरीद पाई, जिससे टीम का स्पिन डिपार्टमेंट काफी कमजोर हो गया है। ऐसे में कुछ इस तरह दिख सकती है आरसीबी की स्टार्टिंग प्लेइंग 11। फाफ के साथ विराट कोहली पारी शुरू करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज अनुज रावत को 3 नंबर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिर ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोर मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर की भूमिका निभाएंगे। वहीं शाहबाज अहमद ऑलराउंडर की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। अगर बॉलिंग की बात करें तो सिराज के साथ जोश हेजलवुड के आने से टीम का ये विभाग मजबूत दिखता है। वहीं हर्षल पटेल भी इस टीम में पहले से मौजूद हैं। उधर श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा को भी आरसीबी अपने स्टार्टिंग 11 में जगह दे सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी अपने टाइटल जीतने के सूखे को खत्म कर पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।